मणिपुर की स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। 3 मई को वहां पर एथनिक वायलेंस शुरू हुआ और अब 44 दिन होते हैं, फिर भी वहां पर कहीं पर भी शांति का वातावरण बनता हुआ नजर नहीं आता। 3 तारीख को मई के महीने में हिंसा शुरू हुई और उसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह, हमारे विधायक दल के नेता इबोबी सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, माननीय राज्यपाल से मिलते हैं और अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। ये ज्ञापन वहां पर 4 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर माननीय राज्यपाल को देते हैं। 9 और 10 मई को भक्तचरण दास एआईसीसी से मणिपुर के प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं, सभी संबंधितों से बात करते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और कांग्रेस पार्टी से हर तरह की मदद सहयोग सरकार को स्थिति सामान्य बनाने में देंगे, इस तरह का वहां पर वादा करते हैं और स्थिति सरकार जल्द से जल्द काबू पर लाए इसका अनुरोध करते हैं। 17 मई को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एक एआईसीसी के प्रतिनिधि मंडल की नियुक्ति करते जिसमें मैं शामिल था, भक्तचरण दास, अजय कुमार और सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा से। 17 तारीख को ये प्रतिनिधि मंडल की घोषणा होती है, 18 तारीख को ही सुबह हम इम्फाल पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ही हमें कह दिया जाता है कि जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर रिलीफ कैंप्स शुरू है, वहां पर जाने की हमको इजाजत नहीं दी जाती। हम वहीं इम्फाल से किसी से जैसे हो वैसे संपर्क करते और स्थिति को समझने की कोशिश करके हम बाद में आकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 30 मई को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में ये एक ज्ञापन लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है, स्थिति कितनी गंभीर है इसे देखकर हमने राज्यपाल महोदया के समक्ष और राष्ट्रपति महोदया के समक्ष भी हमने हमारी चिंताएं वहां पर उनके समक्ष रखने की कोशिश करी। लगातार विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी चिंताएं और हम अपनी मांगे इस संदर्भ में करते रहे हैं। अब स्थिति क्या है? अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 लोग 3 मई से लेकर तो अब तक के मारे गए, कुछ लापता है, करीब करीब 50,000 लोग 350 रिलीफ कैंप्स में वहां पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारा अनुमान तो करीब 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं, कोई उत्तर पूर्वी राज्यों में, कोई बंगाल तक पहुंचे, कोई यहां दिल्ली तक आए हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी अगर किसी एक समाज का इम्फाल में रहता है तो वो पहाड़ों में नहीं जा सकता और पहाड़ का कोई अधिकारी या कर्मचारी ये इम्फाल में नहीं आ सकता, इस तरह की स्थिति है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेशनल हाईवे 2 एक सिलचर से आता है, दूसरा दीमापुर से आता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इंटरनेट बंद है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर हफ्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई मंत्री किसी ना किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाते थे, लेकिन जब यह घटना 3 मई को हुई उसके बाद कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां जाते हैं 25 दिन का समय वो लगाते हैं वहां पर पहुंचने में और अभी करीब 44 दिन होते हैं हिंसा शुरू होने पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्यों चुप है, जबान
उनकी मणिपुर के स्थिति को लेकर क्यों नहीं उनकी जबान से कोई बात सामने आती, ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के सामने, ये सिर्फ मणिपुर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और जितने जल्दी इसका कोई हल ढूंढकर हम निकालेंगे उतना बेहतर होगा। आप कल्पना कीजिए सरकार केंद्र की कितनी गंभीर है, 25 दिन तो लगते हैं होम मिनिस्टर को जाने के लिए और 42 दिन लगते हैं पीस कमेटी बनाने के लिए। कितने लोगों की मौत हो जिसको लेकर सरकार पीस कमेटी बनाए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। रिलीफ कैंप्स में एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध नहीं है, वहां पर लोगों को अनाज, दाल, चावल, सब्जी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। जहां पर भी मिलती है उसकी कीमतें आसमान छूने लग गई है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ ये स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को हर तरह की सहयोग देने की पक्षधर है। हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन सरकार को जागना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि वो गंभीरता हमें सरकार में नहीं दिखती।